आज स्मार्ट किचन में हम सीखेंगे बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी। सोचे सोचे क्या होगी वो। देखने में वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन वेजिटेबल है और खाने में तो पूछिए मत। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आज हम सीखेंगे करेला। क्या हुआ, आप में से 90% लेडीज के तो मुंह ही बन गए। देखिए आज हम आपको सिखाएंगे डिलीशियस करेला। अजब करेले की गजब डिश सीखने मैं आ गई हूँ मिसेस मीनू बंसल के पास। वेलकम टू स्मार्ट किचन। करेले की सब्जी सीखने आए हैं हम आपसे। करेला हेल्दी बहुत होता है लेकिन स्वाद में काफ़ी बिटर होता है। लेकिन मुझे करेला बहुत पसंद है, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी करेला पसंद है अगर हम उसे अच्छे ढंग से बनाएं तो आज हम आपसे सीखने आए एक बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी, वो भी करेला की। क्या होगी वो रेसिपी? तो दीदी ये वैसे तो करेला कम लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये अपने इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेरिएशन लेके इस डिश को बनाने जा रही हूँ, थोड़े से एडेड मसाले कर रही हूँ। क्या नाम रखा है आपने इस डिश का? टैंगी करेला। टैंगी करेला, सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन खाने में कितना इंटरेस्टिंग होगा ये तो हम बनाने के बाद ही बताएंगे। जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें ऑयल चाहिए, करेला हमने इसमें नमक लगा के और पानी लगा के एक घंटे पहले रख दिया था। अनियंस चॉप्ड अनियंस है, मूंगफली दाना है, लाल मिर्च पाउडर, कोकोनट पाउडर, नमक, इमली पल्प, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और सेसमी सीड्स यानी तिल। तो दीदी गैस ऑन करके सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको गरम करने के लिए। ऑयल ओके, हम करेले को डीप फ्राई करेंगे। हाँ थोड़ा सा हम इसको डीप फ्राई करेंगे क्योंकि एक स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं। वैसे आप कम ऑयल में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बीच में बता दूँगी। ओके ठीक। ये करेला इसको आप ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन जब ग्रेट करोगे तो थोड़ा मोटे उसमें करना है, कद्दूकस में जैसे मोटा ग्रेट निकालना, वरना मैंने इसमें रिंग्स काटे हुए हैं और इसको नमक लगा के रख दिया था जो जनरली हम हमेशा करेला बनाते समय करते हैं। उसके बाद में हमने इसको स्क्वीज़ कर लिया, जो स्क्वीज़ करने के बाद में हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इतने हमारा ऑयल गर्म हो रहा है अदिति, मैं इसमें इधर एक दूसरे पैन में मसाला भी तैयार करना शुरू कर देती हूँ। तो इसको भी मैं ऑन कर लेती हूँ। ये जैसे आपने एक बोल करेला लिया, दैट मीन्स आपने 2 से 3 करेले लिए हैं, तो उसमें हम 1 टेबलस्पून मूंगफली दाना डाल रहे हैं। ये जो मैं मसाला बना रही हूँ यही इस डिश को थोड़ा सा अलग करेंगे और थोड़ा सा अलग। और मैंने इसमें इमली पल्प लिया है, आप इसको थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देना चाहते हैं, जो लोग कई लोग पसंद करते हैं तो इसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे तो भरवा करेला बहुत पसंद है, इस तरह की रेसिपी मैं पहली बार सीख रही हूँ और खाने जाऊँगी। तो अभी जैसे देखिए ऑयल आप देख रहे हैं गर्म हो चुके हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ करेले। अगर हम अपनी डिश को थोड़ा सा डिफरेंट स्पाइसेस के साथ में बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है खाने में और थोड़ा एक चेंज आ जाता है, वो मोनोटनस जो रहता है टेबल पे वो थोड़ा हट जाता है। और बात करेले की हो तो सबका मुंह बन ही जाता है करेले को देखकर। इसको अदिति आपको लो कैल बनाना है अगर, तो आप इसको डीप फ्राई ना करिए, शैलो फ्राई कर। हाँ हल्का सा ऑयल डाल के उसको आप चला सकते हैं ऑयल में, और जैसे स्पाइसेस बाकी की रेसिपी सेम रह सकती। लेकिन कोई कोई डिश ऐसी होती है कि हमको ओकेजनली बनानी होती है, किसी के गेस्ट आने, तो मैं चाहूँगी और प्रेफर करूँगी कि डीप फ्राई करके ही बनाएं। तो अब ये अनियन, ये हमारे मूंगफली दाना हो गया, तो अब इसमें मैं डालूँगी सेसमी सीड्स यानी कि तिल, ये मैं डालूँ 1 चम्मच। इसको भी हल्का सा रोस्ट करना है हमें, और इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि आपका एकदम ब्लैक नहीं होना चाहिए। और फिर फाइनली, हाँ जी फाइनली मैं डालूंगी इसमें कोकोनट पाउडर, और कोकोनट पाउडर भी हम 1 चम्मच ग्रेट होम मेड कोकोनट, हाँ ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये अपना जो घर में गोला होता है सूखा गोला, आप वो ले सकते हैं या फ्रेश भी ले सकते हैं। तो अब ये ठंडा होने के बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो इसको इतने ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपना करेला देखते हैं कि क्या हाल चल रहा है इसका। ये वैसे रेसिपी बस फ्राइंग में टाइम लगता है क्योंकि उसके बाद में तो आपका ये गल चुका होता है, तो बनने में आपको कम टाइम। तो मामला आगे तभी शुरू होगा और जब ये पूरा फ्राई हो जाएगा। हाँ मैं थोड़ा सा गैस स्लो कर देती हूँ क्योंकि हमें इसी में गलाना है, तो गैस स्लो कर देती हूँ, मंदी आँच पे पूरी तरह गल जाएगा। मीनवाइल मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मसाले से। वाओ मसाले की खुशबू काफ़ी अच्छी है जो हम अभी पीसने वाले हैं। हाँ ये अदिति यही मसाला जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देगा, वरना नॉर्मल मसाले का तो हम बनाते हैं। तो बारी से चर्न करने की। अब देखते हैं, चेक करते हैं, हो चुका है शायद।
चर्न करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा अरोमा हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रहा है इसका। आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फ्राइड है तो और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये चॉप्ड अनियंस हैं, इनको हमें डालना है। फाइनली चॉप्ड है? हाँ फाइनली चॉप्ड है, ये आप डालेंगे। इनको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अब देखिए अनियंस सॉटे हो रहे हैं, तो मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ। तो आप मेरे को स्पाइसेस दीजिए। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक तो क्योंकि अदिति आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ अनियन के हिसाब से नमक डालना है, बिकॉज हमारे करेले को हम ऑलरेडी सॉल्ट कर चुके हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक, और नमक तो ऐसा है जो आप बाद में एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर, ये नॉर्मल रूटीन मसाले हमारे जो हम डालते हैं किसी भी सब्जी में। तो ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। हल्दी, हल्दी हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 टीस्पून। और लास्ट में हम डाल रहे हैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने घर के हिसाब से। अब मैं मसाले को विद अनियंस सॉटे कर लेती हूँ, जिससे कि मसाले का भी थोड़ा कच्चापन हट जाए। मुझे लग रहा है करेले भी लगभग गल चुके हैं। हाँ करेले हो चुके हैं अदिति। मैं इसमें अब ये हमारी सब्जी सॉट, ये मसाले थोड़े सॉट हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलरेडी जो हमारा भुना हुआ मसाला है, क्योंकि इसको डालने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। तो मैं ये डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून पड़ गए। स्टेज है परफेक्ट कि हम इस मसाले को डालेंगे, और इसमें हम करीब 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। जितना मैंने भुना है उतना सारा डाल दिया मैंने। फाइनली अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना तला हुआ करेले। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा लेस ऑयल चाहिए तो एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल के तभी भी ऐड कर सकते हैं। देखने में काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो सब्जी हमारी जो है वो ड्राई ही बनेगी। हाँ अब मैं इनकी पल्प ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसमें एक वो हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी प्रॉपरली। और अदिति अगर आपको खट्टा मीठा चाहिए, गुड़ भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसी स्टेज पे गुड़ ऐड करेंगे विद इमली पल्प। ओके तो ये अदिति अब जब बनकर तैयार है, तो ये लीजिए करेला जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तब इसको हम सर्व करते हैं दीदी। आप देख सकते हैं मसाला सारा इसके हर पीस के ऊपर अच्छी तरह रैप सा हो गया है, तो जो करेले को अच्छा स्पाइसी बना रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं कोकोनट स्प्रिंकल करती हूँ, जस्ट टू ऐड द कलर। तो अदिति जैसे मैंने बताया था टैंगी करेला बनकर तैयार है। आप टेस्ट करिए, बारी है इसे टेस्ट करने की, आइए टेस्ट करके देखते हैं। मसाला तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। जो इसमें पीनट्स डले हैं उसका भी स्वाद आ रहा है, इमली का भी स्वाद आ रहा है, और जो करेले की बिटरनेस मुझे पसंद है उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी मुझे टेस्ट आ रहा है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस अच्छी और इनोवेटिव रेसिपी को, तो इसकी रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए हमारा झटपट रिकैप देखकर। टैंगी करेला बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, करेला, प्याज, मूंगफली, लाल मिर्च पाउडर, नारियल कसा हुआ, नमक, इमली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, तिल। तेल गरम करें, करेले काट कर फ्राई करें, मूंगफली दाना भूनें, तिल को हल्का भूनें, नारियल पाउडर मिलाएं, सभी चीजें ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर स्मूथ पाउडर बना लें। तेल गरम करें, प्याज को भूनें, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डालें, पिसे हुए मिश्रण को मिलाएं, करेला मिक्स करें और इमली का पल्प मिलाएं और पकाएं। नारियल से गार्निश कर सर्व करें।